हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं रितिका पांडे आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज दोपहर से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज मैंने व्रत किया था ना, तो मुझे थोड़ी वीकनेस से फील हो रही है। तो गाइस देखिए, अभी मैंने गैस का चूल्हा वगैरह स्लेप वगैरह साफ़ किया है। अब मैं थोड़े से बर्तन है उसे धोऊँगी, इसके बाद फिर मैं लंच करूँगी गाइस। तो मैं बर्तन थोड़े से धो लेती हूँ, इसके बाद मैं आगे का काम करती हूँ गाइस। तो मैं बर्तन धो लेती हूँ। सुबह का ब्लॉग मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई थी, तो मैं दोपहर से अपना ब्लॉग बना रही हूँ। तो बर्तन धो रही हूँ, थोड़े से बर्तन है बस, सालों ने तो सुबह में धोया था, अभी मैं धो लेती हूँ। गाइस, बाबू तो स्कूल जा नहीं रहा है मेरा, तो आराम आराम से छुट्टियों में काम हो रहा है। बाबू कब 1.5 महीने छुट्टी है तो आराम है, लेकिन ब्लॉगिंग तो मुझे कंटिन्यू करनी है। बड़े बड़े बर्तन देखिए हम लोग नीचे रखते हैं, और जो प्लेट वगैरह कटोरी होती है स्टैंड में लगा देते हैं हम लोग। तो बर्तन धो लूँगी, इसके बाद मैं अपना वो करूँगी, कपड़े धोऊँगी, फिर पोछा वगैरह थोड़ा बहुत है नीचे का उसे लगाना है, तो मैं काम कर लेती हूँ अपना। तो गाइस बर्तन धो रही हूँ मैं यहाँ पे फटाफट। बर्तन धोने के बाद मैं छत पे जाऊँगी, अपने कपड़े धोऊँगी। आज लेट हो गया मेरा। हम लोग सुबह ही उठते हैं, पर हमारे इतना काम हो जाता है ना सुबह सुबह कि बहुत सारा काम करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे कपड़े हैं, मैं अब अपने कपड़ों को सारे को फोल्ड कर लेती हूँ फटाफट। इसके बाद मैं अपना कपड़ा धोने के लिए जाऊंगी, या थोड़ा सा नीचे पोछा अच्छा लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ। बाबू कह रहा था कि मम्मी मुझे मेरे लिए ना वो बना दो,
डोसा, प्लेन डोसा उसे बहुत पसंद है। तो कल हमने इडली बनाई थी तो उसकी चटनी बची हुई थी, और मैंने सुबह में फिर से चावल और वो धुली हुई उड़द की दाल रखी थी तो उसे मैंने भिगोया था, तो उसे मैंने पीस लिया है। अब बाबू के लिए पापड़ वो करूँगी, पीस लिया, मिक्सर के ऊपर रख देती हूँ। इसके बाद अब बाबू के लिए थोड़ा सा अनार छील के दे देती हूँ बाबू को। देखिए मैं अनार लेके आई थी तो उसी तरह मैंने पॉलीथीन में रखी हुई है, तो सिर्फ बाबू के लिए ही काटूँगी। देखिए इसे छेद वाला अनार दे दिया है तो इसे काट लेती हूँ। छोटे छोटे अनार हैं तो बाबू को आज जूस नहीं बनाऊँगी, आज अनार के दाने ही छील के दे दूँगी। तो इसे मैं काट लेती हूँ गैच। काटने के बाद बाबू बाबू तो मेरा ऐसे ही खाने में नखरे दिखाता है, तो उसे टाइम टाइम पर मुझे पूरे दिन ध्यान देना पड़ता है, तो बाबू को मुझे देना पड़ता है काट काट के, इसलिए काट रही हूँ। तो गाइज मेरा अनार कट चुका है, अब मैं बाबू को अनार ले जा रही हूँ। अनार छीलने में टाइम लगता है, लेकिन तभी भी मैं सोचती हूँ कि बाबू को तो अनार दे दिया करूँ, डेली खून मेंटेन रहता है ना अनार खाने से। बाबू को मेरे ऐसे ही पढ़ लिख रहा है तो बहुत मेहनत करता है मेरा बच्चा। सालू यहाँ पे आई हुई है, सालू बर्तन धो रही है। सालू अंकित को खाना लेके गई थी तो एक दो प्लेट बची थी तो वही आई है, धो रही है। इसके बाद सारू ऊपर जाएगी और मैं बाबू को अनार दे दूँगी छील के। अनार छीलने में इतना टाइम लगता है कि क्या कहूँ गए, अनार छीलते छीलते आपसे बातें कर रही हूँ। तो गए जहाँ पर मेरे अनार पूरा छील रहा है अभी, तो फिर मैं अब ऊपर आ गई हूँ गैज। मेरे कपड़े थे तो मैं सोची कि मशीन में लगा लेती हूँ, कपड़े मैंने डाल दिए, पानी मैंने पहले से मशीन में भरा हुआ था, तो अब मैं मशीन में सर्फ डाल के और अपने कपड़ों को चला दूँगी। बस चलते रहेंगे मेरे कपड़े। अब मैं प्लग को लगा लेती हूँ, प्लग लगा स्विच ऑन कर देती हूँ और मेरे कपड़े चल रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कपड़े धुलने में टाइम लगेगा, तब तक मैं पूजा घर में आ गई हूँ अपने। देखिए बाहर अभी धूप है, 5 बज रहे गाइस शाम के, मेरे कपड़े यार लेट धुल रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ ना कि जल्दी से यहाँ पे सुंदरकांड पढ़ लूँ। खिड़की से देखिए धूप आ रहा है, खिड़की बंद कर देती हूँ, पर्दे लगा देती हूँ, मेरे भगवान जी के ऊपर धूप आ रहा है, फैन चालू कर दिया मैंने। अब मैं अपने सुंदरकांड को यहाँ पर बैठ के अब पढ़ूँगी।
तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, कपड़े धुल जाएंगे और मेरे 1-1.5 घंटे में सुंदरकांड पूरा हो जाता है। तो मैं अपना देखिए मेरा सुंदरकांड है, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। देखिए मैं सुंदरकांड पढ़ के नीचे आ गई हूँ और यहाँ पे बोरू और आलू है, तो इसकी मैं सब्जी बनाने आई हूँ गए शाम को। तो मैंने छौंक लगा दी है, अब मैं सब्जी बना रही हूँ, मसाले वाली सब्जी आज बना रही हूँ मैं, हल्के से मसाले डाल के बनाऊँगी। मेरे देवर जी जाते हैं ना, तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तो मैं फटाफट यहाँ पे सब्जी बना लेती हूँ। छोटे वाले देवर जी मेरे 7 बजते निकल जाते हैं, तो उनको टिफिन बना के देना होता है, तो मैं सब्जी बना देती हूँ। इसके बाद सालू अपना आटा गूँथ ली है और सालू रोटी बनाएगी। सालू मेरे छोटे वाली देवर जी हैं, उनकी वाइफ है, तो मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ। और साथ में मैंने जो बैटर बना के रखी थी बाबू के लिए, उड़द की दाल और वो चावल को पीस के, उसका मैं बाबू के लिए प्लेन डोसा बना लेती हूँ। तो यहाँ घोल मेरा तैयार हो गया, पानी डाल दी हूँ थोड़ा सा पत्ता, साथ में सब्जी भी चला लेती हूँ। तो इसके बाद में अब इसमें नमक थोड़ा सा डालूँगी, नमक हल्का सा डालूँगी। इसके बाद इसके पापड़ तैयार कर लूँगी, क्योंकि बाबू को मेरे जो वो भर के मसाले भर के जो डोसा बनाते हैं वो पसंद नहीं है बाबू को, मेरे बाबू को प्लेन डोसा पसंद है। नारियल की चटनी है ही, उसी के साथ मेरे बाबू खाने वाला है, उसको बहुत पसंद है मेरे बाबू को डोसा। तो यहाँ पे देखिए पहले तवे पर रिफाइन लगा लेंगे, देखिए इस तरह से बीच बीच में सब्जी भी चला ले रही हूँ अपना, आलू बोरू वाली। मुझे आलू और बोरू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है गैस। तो देखिए मैं अपना तवा पे मैं डाल रही हूँ अपना डोसा का बैटर, देखिए डाल रही हूँ, देखिए इस तरह से बनाते हैं। और कलछी से इसको गोल 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 ऐसे ऐसे कर लेते हैं, और थोड़ा सा जब ब्राउन कलर हो जाएगा तो किनारे किनारे से रिफाइन ऑयल डालेंगे, देखिए डाल रही हूँ। इसके बाद जब रेड हो जाए तो उससे देखिए इसे कलछू से मैं इसको पलटूँगी, मैंने पलट दिया है। देखिए पहला डोसा तो बिगड़ता ही बिगड़ता है गाइस, अब पहला उत्पम हो या डोसा, बीच बीच में सब्जी भी चला रही हूँ, जल्दी से सब्जी भी बनानी है। अब मैं इसमें हल्दी मसाले नमक डाल दूँगी और फ्राई कर लूँगी, इसके बाद सब्जी को मेरी सब्जी रेडी हो जाएगी। मेरे देखिए शाम का इवनिंग का यही मेरा रूटीन रहता है गाइस, सब्जी बनाना, मैं ही सब्जियाँ ज़्यादा बनाती हूँ अपने घर में, कढ़ी बनाना हुआ सब्जी बनाना हुआ तो मैं ज़्यादा बनाती हूँ, सभी लोग मेरे हाथ का ही पसंद करते हैं। तो सब्जी को ढक्कन लगा दी हूँ और यहाँ पे मैं पापड़ को बना रही हूँ। देखिए मेरा पापड़ हो जाएगा तो फिर बाबू को दे दूँगी, बाबू नाश्ता कर लेगा शाम का। और इसके बाद मैं साथ में सोच रही हूँ अपने लिए चाय बना लूँ, तो मैं अपने लिए चाय भी बना रही हूँ, सिर्फ मैं ही चाय पीती हूँ, मैं सिर्फ 1 कप ही चाय बनाने वाली हूँ। तो मेरे चाय का भी टाइम हो गया है, चाय पीने के बाद मैं आप लोग को पता ही है शाम को मैं पूजा करती हूँ, तो इसीलिए मैं चाय अपने रख दी हूँ बीच में। मेरे हस्बैंड जी मुझे 3 3 बर्नर वाला गैस का चूल्हा भी ला के दिए हैं, कि बीच बीच में ये अपना चाय बनाती रहेगी और मेरे लिए भी चाय बनाएगी, जब दोनों तरफ खाना बनेगा तो बीच में चाय बनाएगी। देखिए आज मुझे उनकी बातें याद भी आ गई मेरे हस्बैंड की। तो मैं यहाँ पर चाय बना रही, चीनी चाय पत्ती डाल रही हूँ चाय में, अब साथ में चाय बन जाएगी। इसके बाद में इधर पापड़ को पलट लेती हूँ, पापड़ जले नहीं, मेरे बाबू को बहुत पसंद है पापड़ गैस। आप लोग भी कमेंट करिएगा आप लोग के बच्चे को पापड़ पसंद है कि नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और गैस आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। देखिए मैंने दूसरा वाला भी पापड़ यहाँ पर डाल दिया है और ऑयल डाल दे रही हूँ, सेम उसी तरह हम इस पापड़ को बना लेंगे। बाबू को देने जा रही हूँ मैं, देखिए बाबू मेरा आ गया, मेरे वीडियो में हेल्प कर रहा था बाबू, और बाबू कह रहे हैं कि मम्मी वीडियो बंद करो, और बाबू खाएगा, जाने बाबू को दे देती हूँ। बाबू ले लिया मेरा पे यहाँ पे, बाबू खुश हो गया मेरा मेरा बेटा। अब मैं वापस किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे अपनी चाय मेरी उबल रही है, मैं पकी हुई चाय ज़्यादा पीती हूँ गाइस, मुझे कच्ची चाय अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ सब्जी में थोड़ा सा मैं अब फ्राई हो गए तो पानी डालूँगी, इसके बाद चाय पीऊँगी, इसके बाद मुझे
फ्रिज की बोतल भी मुझे भरनी है। मेरे हस्बैंड ने आज कहा था कि आज दिन में फ्रिज के पानी मैं पीऊँगा। मैं काफ़ी दिनों से फ्रिज का पानी भी नहीं रख रही थी, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो यहाँ पे पीने ठंडा पानी पिए गुजारा नहीं होने वाला है, तो मुझे पानी भी भरना है गैस। तो देखिए मैंने सारे बोतलों को धो लिया है और धो के यहाँ पर रख ली हूँ। अब मेरे यहाँ पानी खरीद के आता है, आर ओ यहाँ पर चलता ही नहीं है, आर ओ लगा तो आर ओ ख़राब हो गया हमारा, तो सारे बॉटलों में पानी को भर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड अब गर्मी में ठंडा पानी ही पसंद करते, जब बाहर से आते हैं ना तो बोलते हैं कि मुझे ठंडा पानी दो, नहीं तो अगर उनको गर्म पानी देगी तो बहुत गु़स्सा करते हैं। पर सच मानिए तो हमें फ्रिज का पानी उतना फ़ायदा नहीं करता, हमें मटके या घड़े का ही पानी पीना चाहिए। मैंने देखिए बॉटल को अभी अभी धोया है तो थोड़ी स्मेल देख रही हूँ कि आ रही कि नहीं आ रही, नहीं तो अगर स्मेल आ जाएगी तो मेरे हस्बैंड बहुत गु़स्सा करेंगे, क्योंकि उनको साबुन और सर्फ की स्मेल भी अच्छी नहीं लगती है, गुस्सा हो जाते हैं वो। तो गाइज आप हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए गाइज। और मैं तो उतना अच्छा ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, मेरी कमी हो तो उसे बताया करिए। अब मैं सारे बॉटलों को फ्रिज के अंदर डाल दूँगी, रख दूँगी ताकि ठंडा हो जाएगा मेरा, तो मैं फ्रिज के अंदर बॉटल को रख रही हूँ यहाँ पर। और सारू किचन में रोटी बना रही है, इसके बाद मैं बॉटल रखूँगी, सारे बॉटलों को एडजस्ट कर देती हूँ और इसके बाद मैं बॉटल रख ले रही हूँ। इसके बाद चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद मैं अपने पूजा घर में जाऊँगी। और आप लोग को तो पता ही है गाइस, मैं सुबह शाम दोनों टाइम मंदिर जाती हूँ, तो मैं मंदिर भी जाऊँगी। मुझे बिना मंदिर गए मेरा मन ही नहीं लगता है, तो मैं होप कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखिए मैं आज किसके रूम में आई हूँ, रात में देखिए सालू के रूम में आई हूँ। आज मैं रात में वीडियो एंड करने सालू कह रही थी पता नहीं कौन आ रहा है, और मैं पूजा घर में बैठी थी तो कह रही थी पता नहीं कौन बैठा है पूजा घर में। तो गए देखिए ये सालू है, इसका रूम है। आज अंकित नहीं है, अंकित कभी रात में नहीं रहते हैं, तो मैं अभी बाबू भी मेरा आया हुआ है। तो हम लोग आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बाय बोलो, गुड नाइट, गुड।